अस्पतालों में बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन की कमी, ये सब कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिला। हालांकि भयावह माहौल में एक गांव ऐसा भी है जहां कोरोना का एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है। ये गांव कोरोना महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित है। हम बात कर रहे हैं गन्नौर उपमंडल में बसे गाँव भद्दी की, जहाँ पर 45 के लगभग घर हैं और यहाँ की जनसंख्या 550 के लगभग बताई जा रही है। यहाँ के लोगों ने संयम की मिसाल पेश करते हुए पहले की तरह अपने रोज़मर्रा के काम में लगे रहे हैं। यहाँ कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई हैं उनका लोगों ने पूरी तरह से पालन किया है। जैसा कि आप चित्रों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि गाँव में दूर दूर तक कोई भी घरों से बाहर नहीं निकला। आइए जानते हैं ग्रामवासियों से कि वो कैसे बीमारी से दूर रहे और एक दूसरे का कैसे साथ निभा रहे हैं। शुभ नाम क्या है आपका? शमशेर। कहाँ काम करते हो? सुपर। अच्छा, गांव की जनसंख्या क्या है? गांव की जनसंख्या 542। गांव में सभी स्वस्थ हैं? कोरोना का कोई केस तो नहीं है? गांव सभी स्वस्थ हैं। तो कितने दिन पहले आई थी आपकी? 10 दिन पहले। अच्छा, अभी आप स्वस्थ? अब स्वस्थ है। दवाई बूटी या कोई प्रावधान नहीं मिला किसी का। तो किस तरह रह गए आपने इस मतलब बीमारी से? रह गए, खाना पड़ा पत्ता सीधा खा रहे थे। बने आगे गाँव में साफ सफाई का, पानी पीने का सब ठीक है या नहीं? गाँव में ना पानी पीने का ना सफाई का ध्यान, कोई ध्यान नहीं। दोनों चीज़ों से गाँव बहुत परेशान है, पानी से भी सफाई से भी। कोरोना का कोई केस नहीं है। धूप तो आए परंतु नलियां गंदगी की वजह से आए। तो जैसे गांव के लोग बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं, अपना मास्क को एग्जाम तक जाते हैं। और जो बाहर से कोई आदमी आता है तो उसको दूर बैठाते हैं पास पर। गांव में मतलब ये कोई संक्रमित तो नहीं है अभी फिलहाल में? ना, कोई कुछ नहीं है। अरे इसकी एग्जाम करा जाए, अगर सफाई नहीं हुई तो कोरोना अभी सकाय है। कल यहाँ पे क्या रहा है? डॉक्टर्स की टीम आई थी कल हमारे गांव में, टीम आई थी, सब चेक करे थे, किसी को कोई कोरोना नहीं मिली। और जो है जिसका माड़ी मोटी खांसी जुकाम हो जाए अपने घर पर जाए, गर्म ठंडे पानी का अपना। कितने सैंपल हुए हैं कल यहाँ पे? 40। किसी का कोई सभी नॉर्मल है? सब नॉर्मल।